जो लोग कमज़ोर है या ऑक्सीजन की दिक्कत है या सांस की प्रॉब्लम है, बिल्कुल ट्राई ना करें यहाँ पे आने का, क्योंकि मुझे खुद फील हो रहा है यहाँ पे और टेम्परेचर से यहाँ पे 0 डिग्री से कम ही होगा। गुड मॉर्निंग, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:16। तो आज हम लोगों की प्लानिंग है लेह से नुब्रा वैली रोड ट्रिप करने की, और फिर जो वहाँ पे प्लेसेस है नुब्रा वैली में वो एक्सप्लोर करने की। तो अभी थे हम लोग अपने होटल लेह लद्दाख में, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो तकरीबन 126 किलोमीटर दिखा रहा है और टाइम दिखा रहा है 3 से 4 घंटे का, बट पहाड़ी इलाका है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और अभी आ गए हम अपने डाइनिंग एरिया में। पहले करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का ट्रिप। पराठा बनवाया था ना अपने बच्चे के लिए, ऐसे 2 बनवा के पैक करवा। ठीक है, ब्रेड भी डालनी है। अच्छा, कोई लगा नहीं क्या? फिर बुफे तो रेडी है, बस इसमें टोस्ट और पराठे नहीं लगे हैं। पराठे और टोस्ट अंदर से आएंगे, कम लग रहा है। हाँ। चलो जो भी है उसी काम चला लेते हैं। फ्रूट है, एग है, कल वाले सामान रखा है सब कुछ। अभी हम लोगों ने चेकआउट कर दिया है नुब्रा वैली के लिए। तो नुब्रा वैली की अगर बात करें, मेनली वहाँ पे 3 प्लेसेस है जो बहुत ही पॉपुलर है, और 3 मेन प्लेसेस है। तो एक तो ये हुंडर, एक है टूटुक और एक है 0 पॉइंट। तो ये 3 मेन प्लेसेस है, तो हम अपना बेस बनाएंगे हुंडर, वहीं पे हम 2 नाइट स्टे करेंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं लेह टू हुंडूर, और देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, रूट कैसा है, ट्रैवलिंग अपडेट क्या है, और होटल्स वगैरह की जो डिटेल है। पीछे अपनी चेक पोस्ट है नुब्रा वैली के लिए। तो इन लोगों ने परमिट यहाँ पे चेक किया है, तो परमिट हम लोगों ने ऑनलाइन ही निकाले थे, और वो ऑनलाइन परमिट ही काम कर रहे हैं हर जगह। हम लोगों को डीसी ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इन लोगों ने ये अच्छा काम कर दिया कि जो ऑनलाइन परमिट निकलते वो हर जगह वैलिड होते। और डीसी ऑफिस की स्टैंप या फिर मोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है नुब्रा वैली के लिए। और भी बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो कि हम लोगों के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ हमारे पीछे कुछ हमारे आगे। रास्ते में जाते हुए जो रास्ते के व्यू है बड़े औसम है, और यहाँ पे ग्रास ट्री सब खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ स्टोन एंड ब्राउन येलो रेड कलर के माउंटेन्स ही दिखते हैं ओनली। चेक पोस्ट चल के वहाँ जाना है ऊपर। वो याक है, याक स्नो कैप माउंटेन आ चुकी है। अभी यहाँ का टेम्परेचर है 2 डिग्री सी, तो इतना ठंड हो रही है, बाहर हाथ निकालते ही ठंड हो रही है, लग रही है बहुत ज्यादा। और यहाँ तो सारे में बर्फ ही बर्फ है, और चल के हमें वहां पे जाना है उधर। हाईवे वाले वैसे पेट्रोलिंग भी करते रहते हैं यहाँ पे, अगर किसी को कुछ। हेल्प की जरूरत हो। अभी हम लोग रुके रास्ते में नुब्रा वैली जाते हुए थोड़ा सा व्यू लेने के लिए। ये रास्ता है जहाँ से हम लोग आए। लैंडस्लाइडिंग कितना आसान है, देखो गाड़ी कैसे कैसे आ रही है इस पर। ये गाड़ी आ रही है, नीचे से कुछ रास्ता ऐसा है जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, चेक पोस्ट का एरिया। डेंजरस, तो इतने ऊपर खड़े हुए भी हम लोग यहाँ पे, और यहीं पे गाड़ी लगाई। अब चलते स्टार्ट करते हैं। ये सब नुब्रा वैली वाले हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर है भी 0 डिग्री सी, और बाहर अगर धूप देखो तो धूप अच्छी खासी हो रही है अभी। ये पहुंच गए वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे करदुंगला, 18,380 फीट पे है ये। और यहाँ पे और बहुत सारे टूरिस्ट रुके हुए, हमने भी गाड़ी यहीं पे लगा दी साइड में, और थोड़े से लेते हैं यहाँ पे व्यू, क्योंकि यहाँ पे आइस बहुत पड़ा है, ठंड तो यहाँ पे अच्छी खासी हो रही है, 0 डिग्री की है।
वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है ये, लिखा भी है बोर्ड पे। डेंजरस भी है ये, इतनी बर्फ पड़ी है करदुंगला पे, दुनिया भर की बर्फ। वी वेलकम यू एट करदुंगला, द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। देखते क्या है, जाते हैं। आइटम भी है, करदुंगला पास का बिल्कुल टॉप है। जिन लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत है वो लोग यहाँ पे बिल्कुल ना आए, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत ही कम है। मुझे खुद फील हो रही है चीज़। तो पहाड़ की चोटी है और कुछ ऐसा है ये। ऐसा लग रहा है मेरा सर घूम रहा है यहाँ पे, बट फिर भी आ गया मैं। वहाँ से नीचे वहाँ खड़ी हमारी गाड़ी सामने, और हॉस्पिटल भी है। जिन लोगों को एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो जाती है वो यहाँ पे जाके मैनुअली ऑक्सीजन लेते हैं। टॉयलेट वॉशरूम भी यहीं पे है। चलता हूँ नीचे कर दूंगा। जो लोग कमज़ोर है या ऑक्सीजन की दिक्कत है या सांस की प्रॉब्लम है, बिल्कुल ट्राई ना करें यहाँ पे आने का, क्योंकि मुझे खुद फील हो रहा है यहाँ पे, और टेम्परेचर भी यहाँ पे 0 डिग्री से कम ही होगा। बर्फ पड़ी है पूरे रास्ते पे, थोड़ा सा रास्ता कच्चा है, इस पर आना पड़ता है। और हमें चल के उधर जाना है, रास्ता जो देख रहा है। वर्ल्ड हाईएस्ट, कुछ लोगों को तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो गई और यहाँ पे हॉस्पिटल है, उन्हें भर्ती करके ऑक्सीजन दी गई। यहाँ पे तो आगे लग रहा है कि सर खाली हो गया ये। कर दूंगा पास। अभी हम लोगों को चल चल के वहाँ पे जाना है जहाँ पे वो छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही है, और अभी थे हम करदुंगला पास पे, और दूर से कुछ ऐसा दिखता है ये। 2 6 4 4 7 9 82 बेस, और अभी हम लोग चले जा रहे हैं। उन रूट के साइड में 62 किलोमीटर है। यहाँ पे आगे थोड़ा सा जाम मिला है, अभी देखते आगे चल के इस जाम की वजह है क्या। रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई किसी की, उसमें पंचर लगा रहा था वो, तो उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक जाम मिला है। बाकी रोड थोड़ा सा यहाँ पे पक्का नहीं है, तारगोल वाला, लेकिन रोड वो नैरो नहीं है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, मस्त है, ठीक है। मतलब थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है, बट ऐसा नहीं कि गाड़ी चलेगी नहीं, थोड़ी स्पीड स्लो हो जाएगी। और इसे ही बोलते हैं लद्दाखी थ्रिलिंग राइड यानी एडवेंचरर। बहुत सारी गाड़ियाँ है, रोड है, धूल धब्बा, माउंटेन्स व्यू है। रुकने का है कुछ, ऐसे हम लोग आए। रिमेंबर सेफ्टी, पेनफुल एक्सीडेंट इज पेनफुल। ओके, ठीक है। थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग तो होती इतनी रोड में, और सामने कोई गांव आया है ड्राइविंग करते हुए, यहाँ पे रुक के लंच या ब्रेक या बायो ब्रेक भी किया जा सकता है, डिनर। तो यहाँ पे ब्रेक लिया जा सकता है, क्योंकि टाइम हो चुका है अभी 12:16, और सबसे ज़्यादा कार चलती है यहाँ पे अल्टो, सबसे ज़्यादा देखता हूँ यहाँ पे अल्टो सबसे ज़्यादा मिलती है, और टैक्सी में जाए लो डेल करदंग अल्ट है। तो ढाबे वगैरह है, होटल वगैरह है यहाँ पे रुकने के लिए, यहाँ पे ब्रेक लिया जा सकता है रास्ते में। मिड वे ब्लैक स्टोन एरिया, कितने बड़े बड़े काले पत्थर हैं। सड़क निकली हुई है।
नुब्रा वैली से पहले के व्यू ऑसम। हम कल्सर नुब्रा वैली होंडूर से पहले का दृश्य। ऐसे ऐसे कर्व्स आते हैं जब हम लोग जाते हैं नुब्रा वैली। सुमूर 18 किलोमीटर, और इधर मिट्टी के पहाड़, इधर स्टोन के बीच में रिवर। नुब्रा वैली में रेस्टोरेंट ब्रेक्स के लिए है, आई थिंक मोनेस्ट्री है कोई। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, तो यहाँ तो पेट्रोल पंप भी है, अभी तो है इसमें बहुत पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे। अच्छा, अभी तो अपने पास बहुत है, आज का काम हो जाएगा कल का भी हो जाएगा। हम बढ़ते हुए अपने गेस्ट हाउस की साइड में। वो देखो एक मौजूद वाटरफॉल बहुत दूर दिख रहा है, छोटा सा करके देखता हूँ इसे। ये देखो यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक के लिए रास्ते में ही काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड है नुब्रा वैली में। अपनी अभी अपना होटल यहाँ से है 35 मिनट की दूरी पे। तो यहाँ पे चारों तरफ माउंटेन है और बीच में है ये रेगिस्तान, जहाँ पे कई सारी एडवेंचर की एक्टिविटी होती है। ये भाई साहब यहाँ पे ज़िपलाइन कर रहे हैं, अभी एटीवी राइड भी होती है यहाँ पे, और ऊपर की तरफ एक वाटरफॉल भी दिख रहा है यहाँ पे। तो रास्ते में हम लोग रुके व्यू लेने के लिए, अभी फिर स्टार्ट करते हैं। 35 मिनट्स और लगेगी पहुँचने के लिए अपनी लोकेशन पे। अभी वाटर सूख गए हैं यहाँ पे, यहाँ पे सब रेगिस्तान बन गया अभी, और यहाँ पे ये एडवेंचर एक्टिविटी के लिए कैंप भी है, कैंपिंग वगैरह सब होती है यहाँ पे। एटीवी बाइक, जिप लाइन, ये सब सर्विस देते हैं। और हम लोगों को फिर चढ़ना पड़ेगा पहाड़ी के ऊपर। ये एंट्री हो चुकी है रेड स्टोन वाला पहाड़ी, मिट्टी वाला नहीं है। तो चढ़ते हैं इस पर और चलते हैं अपने होटल। ये क्या लिखा है यहाँ पे? यही वो वाटरफॉल है जो हम लोगों ने नीचे से देखा था। अभी हम लोग आ गए ऊपर और ये ऐसा है, ऐसे पानी ऊपर से गिर रहा है इसमें। वाह, और भी काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे। और यहीं पे गाड़ी पार्क कर दी हम लोगों ने रोड की साइड में। और ये वो लोकेशन है जहाँ से हम लोग अभी चल के आए। इंटरेस्टिंग, ये वो लोकेशन जो जहाँ से हम लोग आए अभी। का एडवेंचर वाला रास्ता, नुब्रा वैली जाते हुए रास्ते में ही रास्ते के जो व्यू है वो कुछ ऐसे है। देख, उन्होंने बाउंड्री कर रखी है दोनों तरफ झाड़ लगा के। सोनम गेस्ट हाउस, दीक्षित नुब्रा, ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउसेस बहुत हैं यहाँ पे। इधर भी गेस्ट हाउस है, दीपाली गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस की भरमार है यहाँ पे। दीक्षित नुब्रा वैली देखने में तो ये भी लेह लद्दाख जैसा ही लग रहा है, वैसे होटल वोटल बने हुए हैं यहाँ पे भी जैसे लेह में है। 112 डायल फॉर एनी हेल्प, अच्छे वाला होटल। रेत के छोटे छोटे टीले, रेत के छोटे छोटे टीले,
ये फाइनली हम पहुंच गए हुंडूर और यहीं पे हमारा होटल। चलते हैं अंदर होटल में। अब तो यही है हुंडूर, पहाड़ों की जड़ों में बसा हुआ। अब चल के दिखाते हैं आपको अपना होटल, अबीब गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, गार्डन, रेस्टोरेंट। तो काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेज हैं यहाँ पे। तो ये हुंडूर में पूरी डिटेल है होटल की, गेस्ट हाउस की, कैंप की, होम स्टे की। यहाँ से रेफर किया जा सकते हैं सब कुछ फॉर मोर डिटेल के लिए। हुंडूर का इंटीरियर व्यू। अभी बढ़ते आगे अपने होटल के भी है। ये आ गया अपना होटल, दी वुडन पैकर गेस्ट हाउस। अंदर से कुछ ऐसा है ये, अभी गेट खोल के चलते हैं अंदर। तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है होटल। यहीं पे पार्किंग कर दी मैंने गाड़ी की, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है इनकी। वो मेन गेट है इसका, प्रॉपर्टी का। अंदर चल के एक बार रूम दिखाता हूँ। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, बन रही है प्रॉपर्टी, कंप्लीट नहीं हुई है पूरी। ऐसे कुछ एंट्री होती है। अभी एक्चुअली यहाँ पे क्या है, सीजन का टाइम है तो जितने भी होटल वगैरह सब बुक थे, तो मुझे यही मिला और मैंने यही बुक कर लिया। फिर ये मिला है मुझे 3500 में और इसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है। ये इन लोगों ने रूम दिया है, तो ये रूम है। इधर टॉयलेट, वॉशरूम का, ठंडा गर्म पानी तो आता है इसमें। वाईफाई भी है यहाँ पे और इस टाइप की इसकी छत है यहाँ पे। तो कूल है वैसे तो, अच्छा है। तो ये कुछ है,